31 जुलाई को गोरखपुर विश्वविद्यालय में छात्रा की मौत का मामला हत्या और आत्महत्या में उलझ गया है, जहां रविवार को एसओ गुलहरिया द्वारा प्रियंका के पोस्टमार्टम को सार्वजनिक किए जाने पर हत्या की पुष्टि हुई थी। वहीं सोमवार को पुलिस लाइन में मीडिया से रूबरू होते हुए एसएसपी दिनेश कुमार प्रभु ने बताया कि 31 जुलाई को गोरखपुर विश्वविद्यालय में छात्रा प्रियंका कुमारी का शव फंदे से लटका मिला था, जिसकी सूचना विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा पुलिस चौकी पर दी गई थी। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। एसएसपी ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में छात्रा की मौत को आत्महत्या बताया गया है, लेकिन मृतिका के घर वालों के द्वारा हत्या की आशंका जताई जा रही है। एसएसपी ने बताया कि स्वजनों द्वारा दिए गए तहरीर के आधार पर गृह विज्ञान के अध्यक्ष और उनके सहयोगियों के ऊपर हत्या का मुकदमा पंजीकृत किया गया है। एसएसपी ने बताया कि प्रियंका के घर वालों से बात करके परिवार वालों की मौजूदगी में अंतिम संस्कार करा दिया गया है। उन्होंने बताया कि कुछ लोग इसको लेकर अफवाह फैला रहे हैं। उन्होंने बताया कि प्रियंका के पोस्टमार्टम का वीडियोग्राफी कराया गया था। एसएसपी ने कहा कि परिवार वालों के आग्रह पर वीडियोग्राफी का दोबारा परीक्षण के लिए विशेष 5 सदस्यीय टीम सीएमओ के नेतृत्व में गठित किया गया है। पूरे मामले की विवेचना सीओ चौरी चौरा जगतराम कनौजिया को सौंपी गई है तथा सीओ चौरी चौरा द्वारा परिवार वालों से बात की जा रही है। परिवार वाले जो भी आशंका जता रहे हैं उसको विवेचना में शामिल किया जा रहा है। एसएसपी ने बताया कि मृतिका का पोस्टमार्टम डॉक्टरों के पैनल के द्वारा किया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में किसी तरह की चोट नहीं आई है, उसमें प्रियंका की मौत लटकने से गला दबने से हुई है। उन्होंने बताया कि पोस्टमार्टम के वीडियोग्राफी का दोबारा परीक्षण कराया जा रहा है तथा जो भी परीक्षण में आएगा उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस मामले में जो भी लोग अफवाह फैला रहे हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसएसपी दिनेश कुमार प्रभु ने कहा, 31 तारीख को विश्वविद्यालय में जो छात्रा की जो लाश फंदे में लटके मिले हैं, उसी क्रम में जो विश्वविद्यालय के जो ऑफिस के द्वारा जो है चौकी को सूचना दी गई है, उसमें पोस्टमार्टम कराया गया है। पोस्टमार्टम में कॉज ऑफ डेथ ड्यू टू एंटीमार्टम हैंगिंग आया है, एस्फिक्सिया ड्यू टू एंटीमार्टम हैंगिंग आया है। फिर भी परिवार वालों के द्वारा आशंका जताया जाए गया है। उनके द्वारा दिए गए तहरीर के अनुसार 302 का FIR दर्ज हो गया है। परिवार वालों को पूरी तरह से कॉन्फिडेंस में लिया गया है। आज सुबह परिवार वालों ने बच्ची के दाह संस्कार कर लिया है राजघाट पे। पुलिस एवं प्रशासन उनके हर कदम पे सहयोग किया है। जो कुछ भी लोगों ने अफवाह फैलाया, हत्या या अन्य चीज़ों के इन प्रकारों की उन्होंने अफवाह फैलाया, उस संबंध में एवं परिवार वालों का आश्वासन देते हुए जो पोस्टमार्टम हुआ है वो पैनल के साथ हुआ है, वीडियोग्राफी के साथ हुआ है। फिर भी उसका वीडियो का पुनः परीक्षण है तो 5 विशेषज्ञ की टीम सीएमओ के द्वारा नियुक्त कर दिया गया है ताकि कोई भी फन बट से दूर रहें। इसके अलावा जो विवेचना जो है एक डिप्टी SP रैंक के अधिकारी CO चौरी चौरा जगत कन्नौजिया को दिया गया है। विवेचक एवं परिवार वालों के बीच में प्रॉपर तरीके से कम्युनिकेशन चल रहा है। जो कुछ भी परिवार वालों के द्वारा आशंकाएं जताए जा रहे हैं वो पूरी तरह से कंप्लीट करके उसको विवेचना में शामिल किया जा रहा है। प्रथम पोस्टमार्टम जो हुआ है वो पैनल से हुआ है। पैनल के अनुसार पोस्टमार्टम में कोई भी शरीर में किसी भी भाग में कोई चोटें नहीं आई हैं और मृत्यु की वजह कॉज ऑफ डेथ ड्यू टू एस्फिक्सिया एंटीमार्टम हैंगिंग आया है। पुनः उसका 5 विशेषज्ञों द्वारा परीक्षण किया जा रहा है। उस परीक्षण के रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई पुनः कर दिया जाएगा। फिलहाल सभी लोगों से अनुरोध है, इस संबंध में कोई अफवाह फैलाने की जरूरत नहीं है। विधिक कार्रवाई विधिपूर्ण किया जा रहा है। परिवार वालों से पूरी तरह से हम लोग कॉन्फिडेंस में हैं। उनके समन्वय स्थापित करते हुए उनके हरेक पहलू पे, हरेक आशंकाओं पे कार्रवाई की जा रही है। देखिए, कोई भी बिना कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट हाथ में लिए हुए कोई भी बयान दे दें तो उस पर आप लोगों को विश्वास करने की ज़रूरत नहीं है। SSP में यहाँ पे पोस्टमार्टम रिपोर्ट पढ़ के CMO एवं पैनलों जो डॉक्टर जिन्होंने किया उनसे बात करने के बाद ये बयान आपको दे रहा हूँ।
दूसरा ये बयान परिवार वालों के सामने भी मैंने रख दिया है कि विशेषज्ञों के पैनल के द्वारा किया गया है। ये आधा शब्द पढ़ के अधपका स्टेटमेंट देने के लिए कोई जिम्मेदार, अगर इवन फोर्स के अनुशासनिक बल के वो भी होंगे उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी, अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। कोई भी इसमें अफवाह ना फैलाएं, किसी परिवार को एक अपने उसका शिकार ना बनाएं। देखिए इस संबंध में कोई टिप्पणी की आवश्यकता नहीं समझता हूँ। देखिए कोई भी अफवाह फैलाएगा उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। देखिए 31 तारीख की है, दोपहर में घटना हुई है, पोस्टमार्टम कराया गया है, शाम को ही पोस्टमार्टम कराया गया परिवार के अनुरूप में। 1 तारीख को ये घटना यानी पोस्टमार्टम जो किया हुआ बॉडी को परिवार वालों को सुपुर्द कर दिया गया है। उसके बाद आज सुबह दाह संस्कार हुई है। तो स्टेटमेंट अभी मैंने इसलिए देना पड़ा मुझे कि तरह तरह के लोग फालतू की अफवाह फैला रहे हैं, इस अफवाहों से रोक लगाने के लिए मैंने ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया है।